ओम गणपति नमः। जय माँ दुर्गे। अब हम दशम अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। इस अध्याय में शुंभ के वध का वर्णन मिलता है। दशम अध्याय पाठ प्रारंभ। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है? देख, ये तो मेरी ही विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्मानी आदि सभी शक्तियाँ उसी देवी जी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब सभी रूप मैंने अपने समेट लिए हैं। अब तो केवल अकेली मैं ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता और असुरों के देखते ही देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। देखिए, बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीक होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों के द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों के द्वारा दैत्यों के छोड़े गए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी जी को आच्छादित कर दिया। देवी जी ने कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट दिया। धनुष के टूट जाने पर और दैत्य ने हाथ में शक्ति उठा ली। धनुष तो उसका पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुग्धर लेकर अंबिका जी को मारने के लिए दौड़ा। आते ही उसके मुग्धर को तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग के साथ आया। आते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट लगा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ पड़ा। तब उछलकर देवी जी को उठाकर आकाश में स्थिर हो गया। वहाँ भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करती रही। आकाश में उस समय असुर तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में पहले पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक लगा। तब अंबिका ने अपने साथ देर तक युद्ध करते करते असुर को उठा लिया, मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी जी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पाकर खड़ा हो गया। घूसा तान कर वह दुष्ट देवी जी को मारने की इच्छा से बड़े वेग के साथ दौड़ा। तब उस असुरराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंप दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप और पर्वतों को हिलाने वाला था। सारी पृथ्वी को वो हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रव मेघ उठ रहे थे तथा उल्का पाता हो रहे थे, वे सभी के सब शांत हो गए। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य साफ होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी, दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इस प्रकार ये दशम अध्याय अब समाप्त होता है। इसमें हमने शुंभ के वध का वर्णन सुना है, कैसे माता ने शुंभ का वध किया। आशा करती हूँ मेरा ये पाठ आपको पसंद आया होगा। जय माँ दुर्गे। बोलो जयकारा शेरावाली का।